हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि SSMS दैट इज SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को और SQL सर्वर को कनेक्ट करते हैं। हम उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड देन हम उसको कैसे लोकली कनेक्ट करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, वहाँ पे जस्ट सर्च कर लेंगे कि डाउनलोड SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। जो पहला ही लिंक आएगा वो एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो एक ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ये वेब पेज, यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड SSMS का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप उस पर क्लिक कर देंगे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है SSMS का वो है 2022, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ पे ब्राउजर में ऐसे उस फाइल को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उस फाइल पे राइट क्लिक करके उसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे और आपके पास ये एक विंडो पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन फिर SSMS आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ऑल प्रोग्राम्स में जाके SSMS या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को सर्च करके उसको ओपन कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हम क्या काम करते हैं, SSMS हमारा एक टूल होता है जिसके थ्रू हम अपने SQL सर्वर को कनेक्ट करते हैं एंड देन वहाँ पे हम डेटाबेसिस को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। बट हम अभी चाहेंगे कि जो SQL सर्वर है वो हमारे सिस्टम पे लोकली रन हो, ठीक है, एंड देन हम उसको लोकली कनेक्ट करना चाहेंगे। उसके लिए आप क्या काम करेंगे, SQL एक्सप्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था SQL एक्सप्रेस क्या होता है, कई बार आपका टेस्टिंग पर्पज के लिए भी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे इस लिंक पे एंड देन यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा एक डेवलपर और एक एक्सप्रेस, तो आप एक्सप्रेस पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, तो आपके पास एक ये विंडो पॉपअप हो जाएगी, ठीक है, जैसे आप SSMS को ओपन करेंगे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप जैसे ही SSMS पे गए एंड देन मैंने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो कनेक्ट पे क्लिक करते टाइम अब हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वर टाइप हमें यहाँ पे सर्वर को सिलेक्ट करना होता है, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ। तो सर्वर टाइप क्या होता है, जैसे कि SQL सर्वर से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सर्वर टाइप एज ए डेटाबेस इंजन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आएगा, ठीक है। आप अदर सर्वर टाइप ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे SQL सर्वर एनालिसिस सर्विस SAS, SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस SSRS एंड SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस SSIS, ठीक है। सेकेंड, हमें सर्वर का नेम स्पेसिफाई करना होता है, ठीक है। तो सर्वर का नेम क्या होता है, जो आपके SQL सर्वर का नेम होगा या जो आपका IP एड्रेस होता है वही आपका सर्वर का नेम होता है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ विंडोज़ ऑथेंटिकेशन। तो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन क्या होता है, आपका डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन मोड होता है SQL सर्वर के लिए, ठीक है, और ये एज ए यूज़र एडमिन की तरह काम करेगा। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड में हमें यूज़र आईडी या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूज़र आईडी और जो पासवर्ड होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जनरेट होता है। सेकंड वन आया था SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन के केस में हमें क्या काम करना होता है, आपको यूज़र आईडी एंड देन पासवर्ड डालना होता है एंड देन जब आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो पहले वो ऑथेंटिकेट करता है कि दोनों चीज़ें सही हैं क्या, अगर सही होती हैं तो वो आपको SQL सर्वर से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे एक की पॉइंट बता देता हूँ कि जो SSMS होता है SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, ये आपका सर्वर नहीं होता, ये एक क्लाइंट टूल है जिसको यूज़ करके आप SQL सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप क्या काम करेंगे, आपने सर्वर को कनेक्ट कर लिया अपनी लोकल मशीन पे SSMS को यूज़ करके, उसके बाद आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उन डेटाबेसिस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका SQL सर्वर होगा वो किसी एक डेडिकेटेड मशीन पे रन हो रहा होगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं SQL सर्वर है वो किसी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड मशीन पे रन हो रहा है और जो बाकी डेवलपर मशीन है उसको उन्होंने SSMS क्लाइंट टूल को यूज़ करके कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है।
अभी तक तो हमने पढ़ा था, अब हम इसको एक बार समझ भी लेते हैं। तो जैसे ही आप SSMS को ओपन करेंगे, ये कनेक्ट टू डेटाबेस इंजन, ये पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे हमें इसको कनेक्ट करना होता है। अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने SQL एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, तो SQL एक्सप्रेस को मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे लोकली कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जो मेरा SQL सर्वर होगा वो लोकली रन होगा, जो भी डेटाबेसिस बनाऊंगा मेरे सिस्टम पे ही होंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्वर नेम में डाल दिया लोकल होस्ट स्लैश SQL एक्सप्रेस। सर्वर टाइप मैंने क्या सिलेक्ट किया, डेटाबेस इंजन। अब ऑथेंटिकेशन में क्या है, मेरा विंडोज ऑथेंटिकेशन जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इस केस में हमें यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या काम कर दूंगा, कनेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा आपका डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, क्लियर। तो आप यहाँ पे न्यू क्वेरी पे जाके, न्यू क्वेरी यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है न्यू क्वेरी के लिए, एंड देन आप वहाँ पे अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे बस ये बताना था कि SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो क्लाइंट टूल होता है, उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एंड कैसे लोकली अपने सिस्टम पे कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप YouTube पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।